केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। भागलपुर नगर निगम चुनाव सर पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार जो हैं वो तैयारियों में लग चुके हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता विकास कुमार पहुंचे भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 10, जहां हुई उनकी खास बातचीत पार्षद प्रत्याशी दीपिका कुमारी और उनके प्रतिनिधि रमन कुमार से। तो आइए जानते हैं स्पेशल बातचीत में कि क्या कुछ बात हुई रमन कुमार से और दीपिका देवी से, हमारे संवाददाता विकास कुमार की। कल आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं विकास कुमार। भागलपुर नगर निगम में जो चुनाव होना है वो 28 दिसंबर को चुनाव होगा दूसरे चरण में। हम हैं भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद पद के प्रत्याशी दीपिका देवी जी और उनके प्रतिनिधि हैं संजय कुमार यादव जी। हम दीपिका जी से बात करेंगे कि चुनाव लड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से चुनाव की तैयारी में लगे हुए। मैडम, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने समाज को सुरक्षित बनाएं और आदर्शवादी बनावे, ये सब उद्देश्य हमारा जी। जनता अगर आपको वोट देती है तो आप 5 ऐसा काम बताइए जो जनता के लिए करेंगे। पहला तो हम अपने जितने भी गली नाली ये वो है सारे को सफाई करेंगे जी, ठीक है। ऊपर और फिर दूसरा ये है कि वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन ये सब सारे का सुधार करेंगे जी। तीसरा, तीसरा जो हमारे बगल में उधर बहुत सारा वार्ड घूमे, बहुत सारा गंदगी ऐसा है जो एकदम देखा नहीं जाता है, वो सारी चीजों को हम पूरा सफाई कराना चाहते हैं। सफाई कराना काम करेंगे। हाँ। चौथा ये कि शिक्षा का पूरा ही विकास करेंगे, शिक्षा के ऊपर फोकस करना। हाँ, ठीक है, फोकस करना है। पांचवा, जहाँ जहाँ वाटर नहीं चला है मिनरल वाटर वो सभी यानी सरकार के साथ हाँ, सारी योजनाओं को पूरा करना। मैडम, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, वृद्धा पेंशन हो जाए, इन सब चीजों में एक नया प्रचलन चल रहा है, लोग पैसा लेते हैं। आपके जीतने के बाद क्या वो मतलब अस्थाई रहेगा या फिर बदल जाएगा? नहीं, अस्थाई रहेंगे। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य सर कि अपने वार्ड और का विकास करना और समुचित विकास करना है और हर क्षेत्र में इसको इस विकास को सफल बनाना है और आदर्श वार्ड बनाना है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट वार्ड बनाना है। इन इसमें 51 वार्ड में सबसे स्मार्ट वार्ड बनाना जी, ये सपना है जी सर। जनता अगर आपको वोट देती है आप कौन कौन सा काम करेंगे? जनता यदि हमको वोट देती है सर तो हम सबसे पहले जहाँ जहाँ जो है मेरा क्षेत्र है पक्की सड़क और नाला का निर्माण करवाएंगे जी। और जहाँ जिसका भी कच्ची मकान है उसका पक्कीकरण करवाएंगे। उसके बाद वृद्धा पेंशन जिसका नहीं बना है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो खोज खोज कर बनवाएंगे जी सर। आगे और जो है सर राशन कार्ड जिसका नहीं बना है, जो गरीब छूट गए हैं उनका घर जा कर के उससे पेपर लेके राशन कार्ड बनवाना है। चलिए ठीक है। और साफ सफाई जो है समुचित व्यवस्था करवाना है और कहीं पर भी गंदगी दिखना नहीं चाहिए। क्षेत्र सर घूम रहे हैं, जनता की क्या समस्या है बताइए? जनता की समस्या है कि साफ सफाई में सर दिक्कत हो रहा है। अच्छा। नगर निगम जो है कर रहा है लेकिन पूरी तरह से सफाई नहीं हो पा रहा है। नहीं कर रहा है यानी नगर निगम सफाई करने में असफल है जी। चलिए ठीक है। आपको अगर जनता वोट देती है तो क्या लगता है सफाई रहेगा? मैं तो सर पूरा प्रयास करूँगा कि वार्ड में हर जगह हर मोहल्ले में सफाई हो और समुचित सफाई हो। प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, वृद्धा पेंशन होगा, इन सब चीज़ों में पैसा कौड़ी आजकल लोग लेता है, नया प्रचलन है, बिना उसका काम ही नहीं करता। आप जीतेंगे तो क्या वो जारी रहेगा या फिर बंद होगा? नहीं सर, उसको बंद करना है और इस व्यवस्था को ही बंद करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है समाज से। जी सर। युवा वर्ग का साथ मिल रहा है? युवा वर्ग का भरपूर साथ मिल रहा है सर और पूरे वार्ड में जो है सहयोग सभी वर्ग का मिल रहा है। क्या लग रहा है 28 तारीख को ढोलक बजेगा? जी सर, ढोलक बजेगा और 30 तारीख को सर रिजल्ट हम लोग का निश्चित तौर पर आएगा, निश्चित फेवर में। जी सर। चलिए ठीक। अरे ये कब यार ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? सब्सक्राइब कर लो।
और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।